हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो हम लोगों ने कल अपना चैप्टर नंबर 4 सिंगुलर एंड प्लूरल्स, ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया था। सिंगुलर्स सिंगल चीज़ के लिए स्टैंड करता है, प्लूरल टू और मोर देन टू के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। सो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर फिफ्थ कौन सा है? जेंडर। चैप्टर नंबर फिफ्थ जेंडर। बेटा जेंडर क्या होता है? चैप्टर जेंडर है तो चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। जेंडर क्या होता है? कि ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो मेल या फीमेल होने के बारे में बताते हैं, ऐसे नाउन्स जो मेल या फीमेल होने के बारे में बताते हैं क्या होते हैं? जेंडर्स। क्या होते हैं? जेंडर्स। ना जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ नाउन। किसका? सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन। जो जेंडर है वो क्या है? सिस्टम है नाउन क्लासिफिकेशन। नाउन क्लासिफिकेशन मतलब कि वो फीमेल है या मेल है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है। इट शोज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। किसके बीच में डिफरेंस बताता है ये क्लासिफिकेशन? किसके बीच में डिफरेंस बताता है? मेल और फीमेल, मेल या फीमेल के बीच में डिफरेंस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं? सो बेटा जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। अब आप बोलोगे मैं मेल और फीमेल तो एक ही में होते हैं ना, मेल और फीमेल हो गया, फिर भी 2 और होते हैं। सो ऑब्वियसली होते हैं, देखो मैं बताती हूँ। मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, इनमें क्या क्या होता है? मस्कुलाइन में मेल्स को रखा जाता है, ऐसे नाउन्स जो मेल के लिए होते हैं, मेल के लिए स्टैंड करते हैं, कौन से होते हैं? मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। ऐसे नाउन्स जो फीमेल के लिए स्टैंड करते हैं कौन से होते हैं? फेमिनाइन जेंडर। ऐसे नाउन्स जो फीमेल के लिए स्टैंड करते हैं कौन से होते हैं? फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। फिर थर्ड आता है कॉमन, कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब बेटा बोथ, दोनों, जो फीमेल भी हो मेल भी हो, जैसे डॉक्टर्स, टीचर, डॉक्टर मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, है ना, टीचर मेल भी होते हैं, टीचर फीमेल्स भी होती हैं, नर्स मेल नर्स भी होते हैं बेटा, हॉस्पिटल जाते हो मेल नर्स भी होते हैं, वहाँ फीमेल नर्स भी होती हैं, है ना। सो ये होते हैं ऐसे कुछ कॉमन जेंडर, ठीक है। फिर आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स रखी जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जो सांस नहीं ले सकती, जो ब्रीथिंग नहीं कर सकती, इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर सकती, ठीक है, और जो अपने अकॉर्डिंग अपनी साइज में अपने आप में कोई चेंज नहीं कर सकती अपने अकॉर्डिंग, वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स को किस जेंडर में रखा जाता है? न्यूटर जेंडर में। किस में रखा जाता है? न्यूटर जेंडर में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, दीज आर, कितने काइंड्स हैं जेंडर के? 4 काइंड्स हैं। फर्स्ट मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर मैंने क्या बताया? कि जो मेल के लिए स्टैंड करते हैं, जो मेल्स के लिए होते हैं वो क्या होते हैं? मस्कुलाइन जेंडर। द नाउन दैट रेफर टू मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स बिलोंग्स टू मस्कुलाइन जेंडर। जो मैन, मैन मतलब आदमी, इंसान, ठीक है, बॉयज लड़के एंड मेल एनिमल, मेल एनिमल जैसे डॉग, जैसे लॉयन, चिकन, टाइगर, इन सब के लिए क्या यूज होता है? मस्कुलाइन जेंडर। एग्जांपल देखो, फादर, बॉय, किंग, हस्बैंड, कॉक,
लायन, डॉग, सारे के सारे मेल है ना बेटा, फीमेल तो नहीं आया ना इनमें, सारे के सारे मेल हैं। देन नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आता है फेमिनाइन जेंडर, सेकंड नंबर पर क्या आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है बेटा कि द नाउन दैट रेफर्स टू वुमन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स बिलोंग टू फेमिनाइन जेंडर, कि जो नाउन वुमन्स के लिए, फीमेल एनिमल्स के लिए या डॉग्स के लिए, सॉरी गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। एग्जाम्पल बता रही थी बेटा मैं कि डॉग को अगर हम चेंज करते हैं, डॉग को अगर हम फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो क्या आंसर क्या होता है, बिच। डॉग में मस्कुलाइन है, ठीक है, और जो बिच है वो फेमिनाइन है, ठीक है। जैसे फादर का अगर फेमिनाइन में चेंज करते हैं तो मदर, ठीक है, बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, हस्बैंड वाइफ, कॉक हैन, लायन लायनेस, टाइगर टाइग्रेस, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, ये जेंडर होते हैं, ठीक है, जो मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करवाते हैं, ठीक है। लेट्स नाउ लुक फॉर फ्यू मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स के लिए देखते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। सन डॉटर, बेटा बेटी, बुल काउ मतलब गाय और सन, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है। स्टेनलाइन मेयर, स्टेनलाइन मेयर मतलब घोड़ा बोल सकते हैं बेटा, मेयर घोड़ी होती है, ठीक है। पोइट पोइट्रेस कवि कवियत्री, नेफ्यू नाइस, फॉक्स विक्सन, गॉड गॉडेस, पीकॉक पीहेन, कॉक का चेंज करते हैं तो हैन होते हैं ना, और पीकॉक का चेंज करते हैं तो पीहेन हो जाते हैं, ठीक है। प्रिंस प्रिंसेस मतलब हमने यहाँ क्या किया बेटा कि सिंगुलर सॉरी मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज किया है, ठीक है, क्या किया, मस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज किया है, ठीक है। जेंडर मस्कुलाइन मेल्स के लिए स्टैंड करता है और फेमिनाइन फीमेल्स के लिए, ठीक है। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशंस ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है। You have to learn definitions of masculine gender and feminine gender. And you also have to read and learn this table. ये table आपको read करनी है और learn करनी है और spellings भी learn करनी है, ठीक है, spellings भी आपको learn करनी है। अगर समझ में नहीं आए या फिर कहीं problem हो तो पूछ लेना, ठीक है, okay, bye.